दादरी के बिसाहड़ा कांड की फॉरेंसिक रिपोर्ट आज आ गई है। इस रिपोर्ट पर पिछले एक महीने से कोर्ट में जिरह चल रही थी और पीड़ित पक्ष की तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी आरोपी पक्ष को सौंपने के आदेश दिए। वारदात के बाद से ही आरोपी पक्ष समेत बिसाहड़ा केस सुनने वाले लोग इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि हो गई है। हालांकि अखलाक के वकील ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं कि पहली रिपोर्ट में बकरे का मांस होने की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में गाय का आया है या उसके वंश का, मतलब ये रिपोर्ट आई है, मतलब कि जो वेटरनरी रिपोर्ट थी एफएसएल की, उसमें गाय का मीट पाया गया और इसमें डिफेंस के हम वकील हैं, तो इसलिए अभी हम इस स्तर पर इस चीज़ को नहीं बता सकते आपको हम क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, वो हमारा एक क्लाइंट का भी वो है। सर, मुद्दा तो यही था कि गाय की हवा वाला, कि गाय का मीट गाय काट दी है, इस तरह की कितना बड़ा रूप नहीं है, वो सब बाद में तय होगा, चूँकि हम लोग इसमें वो बचाव पक्ष के वकील हैं, इसलिए अपनी ज़्यादा स्टोरी खोल नहीं सकते इस समय। इस मीट की रिपोर्ट ऑलरेडी पहले आ चुकी है और जो मीट की रिपोर्ट है वो मटन है। सबसे पहले वही मीट की रिपोर्ट और वही सैंपल, वही मांस का टुकड़ा कहाँ मथुरा फॉरेंसिक भेजा गया था। अब इतने दिन के बाद में ये क्या हुआ है, क्या नहीं है, ये सर्टिफाइड कॉपी ले लेंगे तब उसके बाद में मालूम होगा। पहली जो रिपोर्ट आई थी वो फॉरेंसिक की नहीं थी, फॉरेंसिक की नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे प्रारंभिक जांच की गई थी और जो जांच की गई थी तो जांच के बाद में ऐसे ही कोई एक एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं दे देगा अपने, और उस रिपोर्ट के अपने मायने हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का क्या कुछ कहना है। ये कानून व्यवस्था का मामला है और मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस विषय को राजनीति ना बनाए और हमने तभी भी ये कहा था कि मेरे क्षेत्र का विषय था, मैं वहाँ गया, लेकिन मैंने ये सवाल पूछा था कि बाकी लोग वहाँ किस लिए गए थे, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ किस लिए गए थे, राहुल गांधी जी वहाँ किस लिए गए थे, या ओवैसी साहब और वृंदा कारंत जी बताएं वो किस लिए गए थे। अब इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे देते हैं। 28 सितंबर 2015 की रात का ये मामला है। दादरी के बिसाहड़ा गांव में भीड़ ने अखलाक नाम के शख्स के घर पर हमला किया। अखलाक को पीट पीट कर मार डाला, बेटे को पीट पीट कर अदमदा कर दिया और भीड़ का आरोप था कि अखलाक के फ्रिज में बीफ था। फ्रिज में मिले सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और अब जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें बीफ की पुष्टि हुई है। कल से आपकी जेब हल्की होने वाली है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कल से सर्विस टैक्स में आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लगने वाला है। यानी कल से आपको पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं से लेकर घूमने फिरने तक की सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। मोदी सरकार 2 साल पूरे होने के मौके पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने निकली है। देश भर में डंका पीट रही है कि देश बदल रहा है। अच्छे दिनों का नारा अब बदल गया है और जनता भी अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। अच्छे दिन कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आपके बुरे दिन जरूर आने वाले हैं। 1 जून से आपकी 2 जून की रोटी महंगी होने वाली है। महंगाई के इस दौर में आपकी जेब पर और चपत लगने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो महंगी होने वाली हैं। मोबाइल, बिजली का बिल आएगा ज्यादा, केबल और डीटीएच का बिल बढ़ेगा, फिल्म देखना भी महंगा होगा, इंश्योरेंस बैंकिंग सर्विसेज होंगी महंगी, घूमना, होटल और पार्लर सर्विसेज महंगी होंगी, शादी ब्याह का बजट भी बढ़ेगा, रेल टिकट पर भी ज्यादा देना होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आपकी जेब पर यह आफत आई क्यों है। दरअसल 1 जून से आपका सर्विस टैक्स आधा फीसदी बढ़ने जा रहा है। पहले आप हर तरह की सेवाओं पर 14.5% सर्विस टैक्स देते थे, लेकिन 1 जून से ये बढ़कर 15% हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये आधा फीसदी टैक्स क्यों बढ़ रहा है।
असल में ये आधा फीसदी टैक्स कुछ और नहीं बल्कि कृषि कल्याण सेस है। आपको याद होगा कि अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया था। इसी फंड के लिए सरकार ने आधा फीसदी कृषि सेस लगाने का ऐलान किया था। यही सेस 1 जून से लागू हो रहा है और आपकी जेब और ढीली होने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि सेवाएं कितनी महंगी होने जा रही हैं। रेल के सफर की बात करें तो एसी क्लास के रेल टिकटों पर 1 जून से 5 से 25 रुपए ज्यादा लगेंगे। जिन्होंने पहले से बुकिंग की है उनसे टीटी वो एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेंगे। अब आपको बताते हैं कि बैंक में लेन देन पर आपको कैसे और कितनी चपत लगने वाली है। अगर SBI में कोई सेविंग्स या करंट अकाउंट खुलने के 1 साल के भीतर बंद करता है तो उसे 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट 1 साल के अंदर बंद करने पर 200 से 500 रुपए और करंट अकाउंट पर 500 से 800 रुपए तक सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। फिलहाल इसके लिए दोनों बैंकों में 100 से 500 रुपए तक लग रहे हैं। SMS अलर्ट सुविधा पर पहले 15 रुपए लगते थे लेकिन अब 16 रुपए लगेंगे। SBI अब चेक बाउंस होने या वापस होने की दशा में 350 से 1550 रुपए तक पेनल्टी वसूल करेगा। अभी चेक वापसी और बाउंस होने पर SBI की पेनल्टी 100 से 500 रुपए तक है। पंजाब नेशनल बैंक में चेक वापस होने पर उपभोक्ताओं को 300 से 1500 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। अभी PNB 100 से 1000 रुपए वसूलता है। लॉकर के पहले 1000 रुपए लगते थे अब 1250 रुपए लगेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है उस पर भी आपको फीस देनी होगी। SBI में सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो 30 रुपए फीस लगेगी। एक महीने में 3 से ज्यादा लेन देन करने पर 44 रुपए प्रति लेन देन होगा। अभी 1,00,000 रुपए तक बिना सर्विस चार्ज के जमा कराए जा सकते हैं लेकिन साथ ही नगदी जमा करने पर भी चार्ज लगेगा। यानी 1 जून आपकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।